तो आईपीएल में मैच नंबर 22 और ये है बराबरी की टक्कर, क्योंकि दोनों टीमों ने 5 मैच खेले हैं, 4 मैच ये जीत गए हैं और ये मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद में। वेन्यू बदल गया, दूसरा मैच इस वेन्यू में इस आईपीएल, तो देखेंगे कि दिल्ली और बैंगलोर की टीम यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करती है। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग स्टिंट विद द ब्रॉडकास्टर ESPN क्रिकेट इन्फो पे। चलिए सीधा आपको काम पे लगाते हैं। पहला हमारा सवाल ये है कि रविचंद्रन अश्विन तो चले गए हैं, अब उनकी जगह 11 में कौन आता है? क्या आप ललित यादव एक स्पिनर को लेके आते हैं, ऑलराउंडर भी मैं कहूंगा उन्हें, अच्छा प्रदर्शन रहे, या फिर आप एक फास्ट बॉलर को लाएंगे? मैं थोड़ा सा फास्ट बॉलर की तरफ टेम्प्ट हूँ। वैसे निखिल, जब मैं गया था और अब आया हूँ, मतलब आप जवान हो गए हैं पहले से, तो यूर अ क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, यूर बिकमिंग यंगर बाय द डे। पर कम बैक टू द स्टोरी, आई विल गो विद द पेसर, क्योंकि देखिए अहमदाबाद का मैदान बहुत बड़ा है, सामने वाली टीम देखे तो सिर्फ एक ही तरीके के वो स्पिनर से रुक सकते हैं जिसके पास थोड़ी सी मिस्ट्री हो या फिर गेंद सतह को पकड़ रही हो। मुझे लगता नहीं है कि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा अभी सतह को पकड़ने वाली है गेंद, क्योंकि अभी शुरुआती मुकाबले हैं, नया वेन्यू ज़रूर है, पर इस मैदान पर मुझे लगता है कि शुरू में वो गेंद बल्ले पे आसानी से आएगी। तो फास्ट बॉलर्स के विकल्प मौजूद हैं इस टीम के पास, तो मेरे विचार में फास्ट बॉलर चुन लीजिए। आपका ईशांत है, उमेश है, आप किसी को भी खिला सकते हैं। इस बीच वैसे हमने देखा भी था ये, अगर आप देखें दिल्ली की टीम जब मुंबई में खेल रही थी तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला रही थी, वो तो चेन्नई में आके इन्होंने 3-3 स्पिनर खिला दिए। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि अब तेज गेंदबाज आएगा, आप इंडियन तेज गेंदबाज के साथ जा सकते हैं। इस बीच वैसे आपके दो अच्छे विदेशी तेज गेंदबाज भी बैठे हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे, टीम में लाएंगे? नोकिया हैं, वोक्स हैं, और अगर एक ही आता है इनमें से आप किसको लाएंगे? नोकिया, उसकी वजह यही है कि एक्स्ट्रा पेस जो है वो थोड़ा सा ये सामने वाली टीम के प्लेयर्स, आप देखिए अगर मैचअप देखेंगे तो आप चाहेंगे कि देवदत्त पार्टिकल जिस तरीके से खेल रहे हैं, एक्स्ट्रा पेस अगर कहीं मिल जाए, बाउंसर पे आप उनको फंसा पाएं। फिर आप देखते हैं विराट कोहली को, देखते हैं ए बी डिविलियर्स को, ग्लेन मैक्सवेल को, अब ये वाले जो एक्स फैक्टर वाले जो इतने सारे प्लेयर होते हैं तो इनके लिए सामने से कुछ अलग चाहिए होता है। उतनी स्विंग नहीं मिलेगी यहाँ पर जितनी हमने कई मैचेस में वानखेड़े में देखी थी, तो ऑनरिक नोकिया विल बी माय चॉइस। जो टफ जो कॉल लेनी होगी इस टीम को ये है कि स्टॉइनिस तो पक्का खेलते हैं, रबाडा भी पक्का खेलते हैं, अब हेटमायर और स्मिथ में से किसी एक को बाहर बिठाना पड़ेगा। अब आप स्मिथ को बिठाएंगे तो फिर आप रहाणे को ला सकते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड चॉइस। अगर आप हेटमायर को बाहर बिठाते हैं तो फिर थोड़ा सा वो आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, क्योंकि आप ललित को भी नहीं खिला रहे, तो फिर वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब दिल्ली को ढूंढना पड़ेगा। चलिए, आपने हमारा काम आसान कर दिया। अगला सवाल ये है, आपने बता दिया रबाडा तो आपके लिए रहेंगे टीम में, कैसे फिट करना है दूसरा विदेशी तेज गेंदबाज, उसके भी आपने विकल्प दे दिए, तो रबाडा के लिए मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ किस चीज से वो परेशान है, क्योंकि ये रबाडा हमने नहीं देखा, जब भी आईपीएल में आए हैं स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं, उनकी तुलना हम जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज से करते हैं, इस सीजन क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी रहा है कि परिस्थितियां थोड़ी अलग रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर जो चेपॉक की अगर बात करें, वहां पे तो बिल्कुल ही कहानी अलग है, आपको अलग लेंथ पे डालनी पड़ती है, अलग लाइन पे डालनी पड़ती है, आपके वो स्लोअर वन ज़्यादा डालनी पड़ती है आपको पेस से ज़्यादा। इनफैक्ट वो लास्ट मुझे 20 ओवर भी याद आ रहा है तो वो स्लोअर वन ही डाल रहे थे, उस पे बॉल पे पिटाई नहीं पड़ी, जो तेज़ बॉल डाली वो स्टैंड में थी। तो फिर ऐसे में अपनी जो आपकी नेचुरल तरीका है गेंदबाजी करने का उससे आपको दूर जाना पड़ता है। और इस एनवायरनमेंट में, टू बी ऑनेस्ट निखिल, मैं तो वैसे भी ना हर खिलाड़ी को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ कि आप अपना समय लीजिए, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या सही है, कैसे करना है, और कई बार वो बाहर की नॉइज भी बहुत होती है जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आई वोंट गो टू हार्श, बहुत लंबा सीजन है, कगिस और रबाडा जो है बहुत प्रूवन कस्टमर है, और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता रहेगा मुझे लगता है कि वो जो इनकी तलवार में अगर हल्का सा जंग लगा हुआ है ना वो भी गायब हो जाएगा। अच्छा, चलिए आखिरी हमारा ये सवाल है और ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जैसे कहा अहमदाबाद में आप प्रेफर करेंगे तेज गेंदबाज ओवर अ स्पिनर, और हमने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा था तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा था, अब आरसीबी को शाहबाज अहमद को लाना चाहिए या सैनी के साथ रहे? या टफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैनी का पिछला गेम अच्छा नहीं गया। मैं सैनी के साथ रहूंगा,
सैनी के साथ इसलिए रहूंगा क्योंकि वंस अगेन सामने वाली टीम देखता हूँ तो वहाँ निकोलस पूरन को देखता हूँ, क्रिस गेल को देखता हूँ, मैं केएल राहुल को, मयंक अग्रवाल को, तो बैटिंग ऑर्डर उनका जो है वो विस्फोटक बैटिंग ऑर्डर है। अब ऐसे में दो तीन तो लेफ्ट हैंडर हैं, अब उसमें मैं अगर शहबाज को खिलाता भी हूँ तो लेफ्ट आर्म स्पिन को कहाँ मैं गेंदबाजी करवा पाऊंगा गेल और पूरन के सामने, और किसी ना किसी समय ये दोनों बल्लेबाज सामने आएंगे क्योंकि मिडिल ओवर्स में ही शहबाज भी गेंदबाजी करेंगे, तो आई माइट एज वेल गो कि आप सैनी को अगर एक मैच खिलाया है तो एक और मैच खिलाइए, देखिए कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अतिरिक्त गति की यही कहानी होती है, कभी वो आपकी दोस्त होती है कभी वो दुश्मन हो जाती है, ज़्यादा आप रन दे देते हैं पर अगर हर बार अगर फास्ट बॉलर पिटाई खाया उसको ड्रॉप कर देना तो फिर आप ना तो उसके साथ न्याय कर रहे हैं ना ही अपने चयन के साथ। इस बीच क्योंकि आप शाबाज नहीं बल्कि सैनी के साथ जाएंगे, एक परेशानी आरसीबी को इस वक्त हो रही है वो नंबर तीन की पोजीशन, तीन अलग अलग नंबर तीन उन्होंने खिला दिया, अब शाबाज आते हैं तो शायद वो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट होता, वो नहीं आएंगे, अब आप क्या करेंगे, आपके पास पटीदार हैं वापस उनके पास जाएंगे, वैसे अभी अजरुद्दीन भी बैठे हैं टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उनको अनलीश करने का टाइम आ रहा है। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो तीन नंबर की जो परेशानी है ना, ये परेशानी इस वजह से कि नंबर छह पे खेलने वाला कोई नहीं है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि अगर आप देवदत्त पार्टिकल और विराट कोहली को ओपन कराते हैं, अगर तीन पे मैक्सवेल चार पे एबी को रख दिया तो पांच पे आप सोचते हैं अरे कौन बैटिंग करेगा, तो फिर वो जो भी पांच का स्लेटेड नंबर होता है उसको ऊपर भेज देते हैं, कभी शहबाज को भेज देते हैं कभी आप वाशिंगटन सुंदर को भेज देते हैं ताकि बल्लेबाजी थोड़ी सी लंबी नजर आए, तो इस समस्या को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप रजत पाटीदार का ना बड़ा अच्छा सीजन था, ये शुरुआत भी अच्छी कर रहे थे, वार्म अप मैचेस भी अच्छी खेल रहे थे, आपने उनको एक आधा मैच खिलाया भी है, एक खिलाते हो एक ड्रॉप करते हो, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाइए और उनको आप मैच खिलाइए, और नीचे वो जो डैनियल क्रिश्चियन को आप खिला रहे हैं उनकी जगह मे बी डैनियल सैम्स के बारे में सोचिए, एक डैनियल की जगह दूसरा डैनियल ले लीजिए, वो शायद बेहतर काम करेंगे, क्योंकि अभी तक डैन क्रिश्चियन बतौर ऑलराउंडर ना तो बॉलिंग की है ना ही बैटिंग की है, तो अगर वो कुछ नहीं दे रहे तो वो इल्यूजन है आपका कि वो अच्छा करेंगे, इल्यूजरी ऑलराउंडर एक टर्म होती है कि लगता है लेकिन होते नहीं है, तो अब समय आ गया कि डैनियल सैम्स को आपने दिल्ली से लिया था, एक और पहले दिल्ली से लिया था वो हर्षल था, हर्षल ने कमाल कर दिया, अब डैनियल सैम्स को भी खिला के देखिए कैसा करते हैं। और इस बीच डैन क्रिश्चियन ने काफी कैचेस भी छोड़े थे पिछले मैच में, तो शायद एक और कारण हो सकता है कि आप ये बदलाव कर सकते हैं। आकाश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, तो आप देख रहे थे कॉइन डीसी एक्सको प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 40 20 टाइम आउट।